नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नाउ अब हम एसटीटी ऑर्गन देख लेते, इसके बाद अब आ जाते हैं आपका बेटा अगला पॉइंट है, राइट डाउन, एसटीटी ऑर्गन के बाद सेंसरी ऑर्गन्स की बात करेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स ये क्या होते हैं यहां पे बेटा, आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो होते थे दैट इज एंटीना, ये सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। इसके अलावा यहां पे आपको बेटा सेंसरी ऑर्गन्स में कंपाउंड आईज भी देखने को मिल जाते हैं। आपके आर्थ्रोपोड्स के अंदर कंपाउंड आईज होती हैं और ये बहुत बड़ा करैक्टरिस्टिक फीचर है, इट्स अ करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड्स। कितने भी इंसेक्ट्स हैं बच्चों सभी में आपको मोस्टली कंपाउंड आईज देखने को मिलती है, किसी किसी में आपको सिंपल आई देखने को मिलेगी, किसी किसी में मोस्टली आपको जो मिलेंगे कंपाउंड आईज ही मिलेंगे। ठीक है, दैट इज कंपाउंड आईज और आपके सिंपल आईज होती थी। अब इसके बाद आपके कंपाउंड आईज जो होती थी बेटा इनके अंदर छोटी छोटी आईज होती है, मैं दिखा देता हूं, जैसे कॉकरोच की आईज है, सपोज करो आपको कॉकरोच की आई बना के दिखाता हूं, इस तरह से ये कॉकरोच की आईज है, देखने में आपको एक पूरी की पूरी कंप्लीट आई देखने को लगेगी, मिलेगी आपको लगेगा कि पूरी कंप्लीट आई है, बट बेटा ऐसा नहीं होता। ये जो आईज होती है आपकी कॉकरोचेस की, ये आपके छोटे छोटे इस तरह से पार्ट से मिलकर बनी होती, दे हैव अ स्मॉल यूनिट्स लाइक दिस, और यही आपकी फिर कंप्लीट आईज बनाती है कॉकरोचेस में। ठीक है, लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड आईज जिसको आप कहते हैं। अब इसमें ये जो जैसे छोटा सा यूनिट है, इसको मैंने दिखा दिया अलग से, ये एक छोटी सी यूनिट है इस तरह से लाइक दिस, तो आप इसको क्या बोलते हो बेटा, राइट डाउन, इसको लिख लो, ये शेप में कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, दैट इज हेक्सागोनल शेप होती है इनकी, ये तो मैंने यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर दिखा दिया है, ठीक है, एक्चुअल में हेक्सागोनल शेप होती है इनकी। और क्या बोलते हैं इसको हम, दैट इज कॉल्ड, That is called ओमेटेडिया, इसको आपने क्या नाम दिया, ओमेटेडिया नाम दिया, सिंगल वन, यही ओमेटेडिया आपकी कंप्लीटली क्या बनाती है, दैट इज आपके कंपाउंड आइज बनाती है। इज इट क्लियर, सभी को बात समझ में आई वाली, आराधना, अविनाश, शिल्पा, आशीष, प्रभजोत, हर्षिता, हर्षिता पैन, सभी को बात समझ में आई बेटा, रितका, वर्षा, yes. ठीक है, ये नाम याद करोगे, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एनसीईआरटी में ये नाम जरूर लिख लेना कि सिंगल वन जो होता है दैट इज हेक्सागोनल शेप होती है और उसको आप कहते हैं ओमेटेडिया। ये तो है कंपाउंड आईज की बात, लेकिन सिंपल आईज जो होती है, सिंपल आई कैसी होती है, जैसे हमारी आंखें, जो हमारी आईज है दैट इज कॉल्ड सिंपल आई, तो यहाँ पे सिंपल आई जो होती है इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड ऑसिली, सिंपल आई का क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, ऑसली नाम दिया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पे आईज में ये दो नए टर्म्स मिले, आर्थ्रोपोड्स में ये दो नए टर्म आपको देखने मिले, आईज देखी यहाँ पे आपने, कंपाउंड आईज उसमें जो सिंगल यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड ओमेटेडिया, और आपके सिंपल आईज दैट इज कॉल्ड ऑसली, इसको यहाँ पे ये नाम दिया गया है। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका एग्जाम्पल्स। तो इस एग्जाम्पल में आप सभी पता ही है इंसेक्ट्स आते हैं, तो भाई सारे इंसेक्ट ये कितने कितने लिखोगे, कुछ इंसेक्ट्स के नाम लिख दिए, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, प्रॉन, ठीक है, ये कुछ नाम है। अब इसमें कुछ चीजें आपको बस एग्जाम्पल में ध्यान रखनी है, जैसे सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन से हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, तो इसमें आपके कैसे आ गए बच्चों, जैसे आपकी हनी बी, सबसे पहले तो आपको इसी को आग बंद करके इसमें लिख दो, हनी बी, ये आपके इकोनॉमिकली इंसेक्ट में आ गए भाई, क्यों, क्योंकि इससे हमें मिलता है हनी, एक तो हमें हनी मिल रहा है और एक मिल रहा है बी वैक्स, ये दो चीजें हमें इससे मिलती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इसके बाद आपका बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स और कुछ नहीं बेटा, आपका इसको हम कहते हैं सिल्क मॉथ,
सिल्क मॉथ, ओके। एंड ये आपका क्या दे रहा है, सिल्क देता है, दैट इज, ये हो गया आपका। देन इसके बाद आपका बच्चों नेक्स्ट आपका आ गया, दैट इज लैसिफर लैका, लैसिफर लैका, दैट्स अ नेम ऑफ इंसेक्ट्स, जो क्या देता है बेटा, ये देता है लैक, ये बेटा आपका बर्निंग कंपाउंड होता है इसको जलाने के लिए काफी यूज किया जाता है, इट्स द बर्निंग मटेरियल, इसका काफी यूज होता है, लैसिफर लैका, दैट्स अ नेम ऑफ इंसेक्ट जो हमें ये देता है। तो ये हो गए आपके इकोनॉमिकली। देन इसके बाद आपके कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो वेक्टर का काम करते हैं, कुछ आपके वेक्टर्स का काम करते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, नाइन्थ क्लास का टॉपिक है, सभी जानते होंगे, व्हाट आर वेक्टर्स, कौन बताएगा मुझे, यस सर। तो वेक्टर्स हो गए आपके जो बीमारी फैला रहे हैं, विच आर स्प्रेडिंग डिजीज, जैसे कि आपके मॉस्किटो, एनाफ्लीस हो गया, दैट इज एनाफ्लीस, एंड आपका क्यूलेक्स एंड एडीज, राइट, हाउस फ्लाई, दैट इज, ठीक है, ये आपके डिजीज कॉज करते हैं, जैसे एनाफ्लीस है, तो ये क्या कॉज कर रहा है, ये इसके थ्रू कौन सी बीमारी हो रही है, प्लाज्मोडियम इसके अंदर होता है, तो इसके थ्रू कौन सी बीमारी हुई, आपका मलेरिया हो रहा है। क्यूलेक्स है, तो क्यूलेक्स कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है, इसके थ्रू कौन सी बीमारी हो रही है, इंसेफ्लाइटिस हो रही है, दैट कॉज इंसेफ्लाइटिस। एडीज है, तो एडीज के थ्रू क्या होगा, एडीज जो होता है दैट कॉज चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, या फिर इसके अलावा आपका अभी जो बहुत चल रहा है राइट नाउ जीका फीवर, राइट नाउ ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है जीका जो है इस टाइम पे, और आपका हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई तो आपको बताइए दैट इज कॉलेरा, इसके थ्रू हो गया, ये सी के थ्रू कॉज करते हैं, टाइफाइड भी ये कॉज कर सकती है, सो ये आपके वैक्टर्स हो गए, दैट इज ऑल्सो। अब आ जाओ इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला पॉइंट, दैट इज लिविंग फॉसिल्स, इसको मार्क करना, लिविंग फॉसिल्स, इसमें लैमुलस, लैमुलस क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे लैमुलस क्या होता है, आई नो, आई होप सो आपको पता होगा, आप सभी ने देखा भी होगा, हो सकता है कुछ ने तो खाया भी होगा, ये लिविंग फॉसिल है, फॉसिल्स का मतलब जो आज की डेट में जो एक ऐसे एनिमल्स, ऐसी चीजें, लिविंग्स किसी टाइम पे रहते थे, लेकिन आज उनके हमें डेड रिमेनिंग पार्ट्स मिलते हैं, तो दैट इज फॉसिल्स, लेकिन ये वो फॉसिल है जो आज भी है बहुत पुराना, पहले भी रहता था और आज भी इस प्लैनेट पर एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। लैमुलस क्या होता है बेटा, हा किसका था, प्रभजो, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, दैट इज किंग क्रैब, वेरी गुड, लैमुलस और कुछ नहीं बच्चों, आपका किंग क्रैब है, क्रैब तो मैं आप सभी ने खाया भी होगा, बहुत से लोगों ने हो सकता है खाया भी हो, तो दैट्स वाई ऐसे मैंने हिंट देने की कोशिश की थी, देखा भी होगा आप लोगों ने क्रैब, तो ये किंग क्रैब होते हैं, सबसे बड़े क्रैब्स हैं ये, एंड ये आज भी इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत पहले भी करते थे और आज भी करते थे। लिविंग फॉसिल का एक एग्जाम्पल और आप लोगों ने पढ़ा होगा जिम्नोज में, कोई बताएगा मुझे लिविंग फॉसिल का एक एग्जाम्पल और है, एक तो देखो अभी आपको यहां मिल गया दैट इज किंग क्रैब लैमुलस, एक लिविंग फॉसिल आपने जिम्नोज में भी देखा होगा, ये एनसीईआरटी में और नीट में बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि आपका जिम्नोज में कौन सा है प्लांट जो आपका लिविंग फॉसिल है,
कौन बताएगा? अविनाश, आराधना, वर्षा, प्रभजोत, शिल्पा, हर्षिता, आशीष, झनक, कौन बताएगा बच्चों? जिम्नोस की बात कर रहे हैं। इसका नाम 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 ना 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 आराधना नॉट साइकस, नाम दूसरा नाम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैम ने बताया होगा। सर जिम्नोस का एग्जांपल पता है। ओके 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 चलो नाम मैं बोलता हूं, बताना ये नाम सुना है कि नहीं सुना। जिनको बायलोबा, जिनको बायलोबा की लिविंग कौन है? ओके, जिनको बायलोबा ये नाम सुना है? नो सर, बाकी किसी बच्चे ने, किसी ने सुना क्लास में या कहीं सुना है ये नाम? कोई बात नहीं, ठीक है शिल्पा। चलो इसको आज मार्क कर लो, लिविंग फॉसिल्स के दो एग्जांपल आज आपको याद होने चाहिए, आपको याद रखने। एक तो जिम्नोज में बेटा, ये एनसीईआरटी में है, और आपका नीट में बेटा एक क्वेश्चन बहुत आया, नीट में एक क्वेश्चन आया, जिनको बायलोबा इज अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब आज भी मिलता है, ठीक है, बहुत पुराना है और आज भी मिलता है, दैट इज लिविंग फॉसिल्स, उन्हें हम कहते हैं। तो जिनको बायलोबा दैट इज आपका जिम्नोज में आया, जिसको लिविंग फॉसिल्स की कैटेगरी में रखा गया है, और आपके आर्थ्रोपोड्स में लिविंग फॉसिल में कौन आ गया? आपका किंग क्रैब आ गया। लिख लिया ये आपने बच्चों, जिनको बायलोबा, सभी ने? इज इट डन? यस सर। तो आप लोगों को बस ऐसे ही पढ़ना है, आपको चीजों को कनेक्ट करना है, जहां देखा भाई लिविंग फॉसिल है तो लिविंग फॉसिल में फिर नाम लिख लो एक जगह पे कि भाई ये चीजें कहाँ है। कल मैंने जैसे काइटिन का बताया था, तो काइटिन का जहां काइटिन आया वहां नाम लिख लो भाई कहाँ का प्रेजेंट है। तो इस तरह से चीजों को बस रिलेट करना है आपको, जैसे ही रिलेट करना एकदम से नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस करते जाओगे ना धीरे धीरे देखना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब आ जाते हैं बेटा इसके बाद आपके, दैट इज ऑल अबाउट योर आर्थ्रोपोड्स, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, अगला था आर्थ्रोपोड्स के बाद मोलस्का, नेक्स्ट है आपका मोलस्का। मोलस्का, ओके। तो नाउ मोलस्का में बच्चों सबसे पहली चीज, आपका सबसे बड़ा फाइलम क्या था? दैट इज आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के बाद जस्ट आफ्टर सेकंड नंबर पे आता है मोलस्का, और ये है आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी अलग से, आपको बस ये याद है कि फर्स्ट आपका सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोड, और आर्थ्रोपोड के बाद सेकंड वन आपका आता है दैट इज मोलस्का। तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हो गया। बस आपको ना एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट्स में जो सीरीज है उसको याद रखना है, बस वो एक बार याद कर लेना, आधे से ज्यादा चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी। बस आपको फाइलम के नाम याद रखने कि पहला कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ये आपका सबसे बड़ा हो गया, ओके। एंड इसको हम लोग क्या बोलते, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, एंड शेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं इसके अंदर, दैट इन्वॉल्व शेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिनमें शेल प्रेजेंट होते हैं वो सब इसमें आ गया। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था? ऑर्गन सिस्टम देखो कितनी सारी चीजें तो आपको बस यहीं पे याद हो गई, आपको अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ऑर्गन सिस्टम हो गया, देन इसके बाद सेकंड आपका यहाँ पे क्या आ गया? सिमेट्री, वो क्या हो गई थी? बायलेटरल, राइट, वेरी गुड, बायलेटरल हो गई। एंड देन इसके बाद आपका जर्म लेयर, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड शिल्पा, वेरी गुड बच्चों, ट्रिप्टोब्लास्टिन। एंड देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका सीलोम,
ये क्या हो गए आपके, राइट, दैट इज सिलोमेट, वेरी गुड, वेरी गुड. देन इसके बाद आपका सिलोमेट के बाद नेक्स्ट आ गया आपका हैबिट एंड हैबिटेट. हैबिट और हैबिटेट तो ये कैसे होते हैं आपके, दैट इज एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली कैसे होंगे, एक्वेटिक होते, मोस्टली एक्वेटिक है, ठीक है. और कुछ आपके कैसे हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. टेरेस्ट्रियल में मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि एग्जांपल है स्नेल, स्नेल तो सभी ने देखा ही होगा, तो आपके कैसे हो गए, दैट इज स्नेल, इसमें आ गया, टेरेस्ट्रियल में आ गया, ठीक है. एक्वेटिक में क्या आ गया आपका, जैसे स्क्विड, एक्वेटिक में स्क्विड आ गया आपका, दैट इज ओके. तो ये आपका हैबिट और हैबिटेट में हो गए, मोस्टली आपके एक्वेटिक है. अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट आपका हैबिट और हैबिटेट के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था, इसमें कंप्लीट है, दो अलग अलग ओपनिंग है, एक माउथ एक एनस. रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट था और एक्स्ट्रा सेलुलर. क्योंकि ऑर्गन आ चुके हैं तो अब एक्स्ट्रा सेलुलर ही चलेगा सब में. रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्योंकि आपने देख लिया आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो चुका था, तो अब यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो यहाँ क्या होगा, गिल्स. गिल्स किसमें होते हैं, सीधी सा लॉजिक है, दिमाग लाने जरूरत नहीं है, एक्वेटिक एनिमल्स में ही होंगे. गिल्स आपके एक्वेटिक में हो गए, और आपके जो टेरेस्ट्रियल थे जैसे स्नेल है, तो इनमें हो गया पल्मोनरी सैक. That is pulmonary sac. ये lungs की तरह होते हैं. That is related to lungs. ये lungs की तरह होते हैं आपके pulmonary sac. ठीक है. अब pulmonary sac किसमें होंगे? Lungs की तरह हैं. तो obviously terrestrials में होंगे. Terrestrial में आ गई. Done. अब आ जाओ इसके बाद next आपका circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ओपन है. एडवांस सिर्फ एक में ही था, एनेलिड्स में, उसके बाद सब में आपका ओपन था, प्रिमिटिव है. देन इसके बाद बच्चों अगला रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कैसा हो गया आपका, यहाँ पे सेक्सुअल होगा और डायमॉर्फिज में, यहाँ पे डायशियज है मतलब, डाइशियस दैट इज यूनिसेक्सुअल, हो गए मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है. ओविपेरस भी होंगे, ये भी ओविपेरस आपके आर्थ्रोपोड्स में भी आ गए थे, तो वहीं से आपका ये आगे कंटिन्यू हो गए, ओविपेरस यहां भी है. और डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे बच्चों आपका इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. एंड यहां पे आपका फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, इंटरनल, ठीक है, दैट इज. अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट आपका यूनिक फीचर्स. यहां से आपका क्वेश्चन हर एक में, आपको हर एक फाइलम में जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं वो यूनिक फीचर्स में है, वहां से आपको ज्यादातर बातें ध्यान रखनी है. मोस्टली तो आपने जो टेबल पढ़ी थी, हमने कंपैरिजन किया था, वहां पे कंप्लीट कर ली. यूनिक फीचर में आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले, दैट इज बॉडी कैसे है. बॉडी हैज हैड विसरल ऑर्गन्स, organs,
ठीक है, विसरल ऑर्गन्स दैट इज आल्सो कम्स इनटू विसरल हम्प, विसरल हम्प होगा उसके अंदर ही ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे दैट हैव विसरल ऑर्गन्स। एक सेकेंड बेटा, अच्छा मोलस्कस है, हाँ 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 वेरी गुड वेरी गुड, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ 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 वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज आपका बोध था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बोध हो गया था, बोध का जो ट्रिक थी दैट इज बैम थी, बोध जो थी आपको किसमें मिली, एनिलिड्स में और आपके मोलस्कस में मिली थी, तो यहाँ बोध हो गया इंटरनल भी और एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल दोनों यहाँ आपको देखने को मिले थे। थैंक यू बेटा अविनाश, तो दैट इज इसको करेक्ट लेना बच्चों, आपको बोध था यहाँ पे। अब आ जाओ यूनिक फीचर में, यूनिक फीचर में आपने क्या देखा, हेड है, विसरल ऑर्गन्स है और विसरल ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, विसरल हम्प के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगी बच्चों, दैट इज एक चीज और होंगे हम एंड मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है, दैट इज ये चीजें यहाँ प्रेजेंट होती है, मैं इसको एक बार दिखाता हूं।